हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज माही फिर से आ गए हैं फर्स्ट रैक की शोरूम विंटर शॉपिंग के लिए, और यहाँ इन्होंने सबसे दोस्ती कर ली है। देखिए, तो चलिए देखते हैं देखते हैं माही ने क्या क्या खरीदा है। तो माही ने खरीदा है एक बॉल जो कि सॉफ्ट टॉयज है। अभी ठंड में बच्चे जो है नीचे ज़्यादा नहीं खेलते, तो वो बेड पर भी इससे आराम से खेल सकते हैं। इसमें झुनझुना भी है, आवाज़ भी आती है प्यारी सी। और ये एक पजामा है जिसमें मोज़े भी बने हुए हैं, पैर को गर्म रखेगा, ये बहुत अच्छा है बेबी हक का। इसके बाद और ये एक झुनझुना, ये हमने किसके लिए खरीदा है ये बाद में बताएंगे, बहुत प्यारा सा है। इसके बाद क्या लिया है माही ने, और ये बच्चों के मुंह की सफाई के लिए है, ये टॉक्सिन फ्री पाराबेन फ्री होता है बिल्कुल। बच्चे इसे चबाएंगे या मुंह में लेंगे तो उनके दांतों की सफाई भी होती रहेगी। इससे बच्चे अक्सर ना यहाँ वहाँ से उठा के कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे अच्छा ये है, इससे मुंह की सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद ये फेस क्रीम है, ठंड में बच्चों के गाल वगैरह जो है रफ़ हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो ये क्रीम उन सब से बचाएगी बच्चों को। नाउ ये बॉडी लोशन, ये भी ठंड के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जैसे नहला के निकालिए, तुरंत ये बॉडी लोशन लगा दीजिए, इससे उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट हिमालया का जो है वाइप्स, जब भी ऑफ़र लगता है हम ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बच्चों वाले घर में, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम हमेशा एक्स्ट्रा में रखते हैं। और ये है स्टार ऑफ द शॉपिंग, ये क्लोथ डायपर। ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया था, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। बच्चों को डायपर में ज़्यादा देर तक रखना सही नहीं होता है, इसीलिए इस बार हमने ये क्लोथ डायपर ट्राई किया है। इसके साथ एक पैड भी आता है, उसे आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए, इसमें पॉकेट बनी हुई है, उसके अंदर उस पैड को डाल दीजिए, इसलिए इसे पॉकेट डायपर भी कहते हैं। और ये बटन्स वगैरह जो दिए गए हैं उन्हें आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पॉकेट है, इसमें आप डाल सकते हैं, उस पैड को इंसर्ट कर दीजिए इस तरह से। ऊपर का जो कपड़ा है वो बिल्कुल सूखा ही रहेगा, और जो भी शूज़ वगैरह है बच्चों की वो पैड सोख लेगा। आप इसे फिर से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल लगा मुझे ये, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद YouTube पर मैंने सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं इसे। बहुत सॉफ्ट है। इसके बाद ये बेबी हक का ही डायपर है, कहीं आने जाने में इसे पहना सकते हैं। और ये एक नई चीज़ है, स्टॉकिंग्स, सॉक्स यानी मोज़े तो होते ही हैं, और ये है एक पजामे की तरह
स्ट्रेचेबल मटेरियल है। आप बच्चे को डायपर पहना दीजिए, उसके ऊपर ये पहना दीजिए, ठंड से एकदम बचे रहेंगे बच्चे। ये बहुत अच्छी लगी मुझे, ये स्ट्रेचेबल है देखिए। इसके बाद ये है स्वेटर, ये भी बेबी हग की है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका, एक्चुअली स्वेट शर्ट है, बड़ा क्यूट सा डिज़ाइन था इसका, कलर भी बहुत प्यारा था इसीलिए ले लिया। एक और स्वेटर है ये मिमी का, इसमें स्वेटर है और पजामा भी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका, कलर भी बहुत प्यारा है स्काई ब्लू। हुडी भी बनी हुई है इसमें, तो बहुत अच्छा है ठंड के लिए। सॉक्स वगैरह मिल नहीं रहे, दो बार हम जा चुके हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो ये थी गाइस माही की विंटर शॉपिंग, होप आपको यूज़फुल लगा होगा। आप भी जल्दी से जाइए फर्स्ट क्रैक की शोरूम और शॉपिंग करके आइए।